गुल्ली बुल्ली और शॉन अपने घर पर बैठकर सिर्फ आराम ही कर रहे थे। इसलिए गुल्ली बुल्ली और शॉन ने मिलकर सोचा है कि वो कहीं घूमने जाएंगे, क्योंकि गुल्ली बुल्ली और शॉन की छुट्टियां चल रही है और अगर एक बार छुट्टियां खत्म हो गई तो गुल्ली बुल्ली और शॉन को दोबारा टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए शॉन ने गुल्ली बुल्ली को बताया था उसके अमीर मामा ने एक प्राइवेट आइलैंड खरीदा है और शॉन ने गुल्ली बुल्ली से कहा कि वो लोग वहीं घूमने जाएंगे और अपने 2-3 दिन की छुट्टियां वहीं बिताएंगे। और फिर गुल्ली बुल्ली और शॉन ट्रेन से शॉन के मामा के प्राइवेट आइलैंड जा रहे हैं। और अब थोड़ी ही देर में स्टेशन आने वाला है। गुल्ली बुल्ली और शॉन स्टेशन पे उतरेंगे। स्टेशन से उतरने के बाद गुल्ली बुल्ली और शॉन को कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शॉन के मामा ने सारा इंतजाम कर रखा है। अगर गुल्ली बुल्ली को कुछ चिंता करना है तो वो इस बात की चिंता करे कि वो बीच पे जाकर करेंगे क्या। और अब वो स्टेशन आने वाला है जहाँ पे गुल्ली बुल्ली को उतरना है। तभी शॉन ने गुल्ली से कहा, गुल्ली तुम्हें याद है तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट जो मेरे मामा ने तुम्हें दिया था? कौन सा बर्थडे गिफ्ट शॉन? गुल्ली तुम्हें ये भी नहीं याद है? चलो छोड़ो, जब हम लोग आइलैंड पे पहुंचेंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी गुल्ली बुल्ली बात कर ही रहे थे तभी वो स्टेशन आ गया। शॉन ने गुल्ली बुल्ली से कहा, गुल्ली बुल्ली ट्रेन से नीचे उतरो, हमारा स्टेशन आ गया। शॉन की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली ट्रेन से नीचे उतरते हैं। नीचे उतरते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन को 2 बॉडीगार्ड दिखे। शॉन ने गुल्ली बुल्ली से कहा, ये दोनों बॉडीगार्ड मेरे मामा के बॉडीगार्ड है, लगता है मेरे मामा ने इन दोनों को हमारी सुरक्षा के लिए भेजा है। तभी उनमें से एक बॉडीगार्ड ने शॉन से कहा, हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए नहीं आए, हम तुम्हें सिर्फ यहाँ से प्राइवेट आइलैंड छोड़ने आए हैं, उसके बाद हम लोग अपनी ड्यूटी पे चले जाएंगे, इसलिए ज्यादा आसमान पे उड़ने की जरूरत नहीं है, चुपचाप हमारे पीछे चलो। बॉडीगार्ड की इस बात को सुनकर शॉन को बहुत गुस्सा आया और फिर शॉन ने बॉडीगार्ड से कहा, तुम हमारे साथ क्यों नहीं आओगे? तभी उस बॉडीगार्ड ने शॉन से कहा, तुम्हारे मामा ने हमें उस आइलैंड पे रुकने के लिए मना किया है क्योंकि उस आइलैंड पे कोई भूतिया साया है और तुम्हारे मामा भी पिछले 2 साल से उस आइलैंड पे नहीं गए, लेकिन शॉन तुम्हारी जिद की वजह से तुम्हारे मामा ने तुम लोगों को उस आइलैंड पे जाने दिया। तभी गुल्ली ने शॉन से कहा, शॉन तुम तो कह रहे थे वो आइलैंड बहुत ही अच्छा आइलैंड है, लेकिन ये तो कह रहा है उस आइलैंड पे कोई भूतिया साया है। शॉन ने गुल्ली से कहा, गुल्ली ये सब बातें बिल्कुल झूठ है, उस आइलैंड पे कोई भूतिया साया नहीं है, लेकिन शॉन ये बॉडीगार्ड तो बता रहा है तुम्हारे मामा भी उस आइलैंड पे 2 साल से नहीं गए। गुल्ली मेरे मामा को बहुत सारा काम रहता है इसलिए वो आइलैंड पे नहीं जा पाए। ठीक है शॉन, सिर्फ तुम्हारे कहने पर हम लोग उस आइलैंड पे जा रहे हैं। गुल्ली चिंता मत करो, वैसे भी रात हो चुकी है, हमें उस आइलैंड पे जाके सिर्फ सोना है और अगले दिन मौज मस्ती करनी है। बुल्ली ने गुल्ली से कहा, शॉन ठीक ही कह रहा होगा, चलो गुल्ली हम लोग सबसे पहले उस आइलैंड पे चलते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन इस बोट पे बैठ जाओ। बॉडीगार्ड की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली और शॉन उस बोट पे बैठ जाते हैं।
और फिर ये लोग उस बोट को लेकर वहां से जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो बॉडीगार्ड बोट में गुल्ली बुल्ली और शॉन को लेकर उस आइलैंड पे पहुंचते हैं। और गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहते हैं, हम लोग सिर्फ तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाएंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। शॉन ने कहा, ठीक है चलो तुम हमें हमारा रूम दिखाओ। फिर बॉडीगार्ड गुल्ली बुल्ली और शॉन को उनका रूम दिखाने लेकर जाने लगता है। ये आइलैंड बहुत ही छोटा है। गुल्ली बुल्ली और शॉन कल सुबह उठते ही इस आइलैंड पे मस्ती करने वाले हैं। थोड़ी देर बाद बॉडीगार्ड गुल्ली बुल्ली और शॉन को एक जगह लाता है और गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहता है, तुम्हारा रूम ऊपर है। गुल्ली बुल्ली ने उस रूम को देखा और बहुत खुश हुए। गुल्ली बुल्ली को पहली बार एक जंगल हाउस में रहने का मौका मिल रहा है। रूम दिखाते ही वो बॉडीगार्ड वहां से जाने लगे। तभी गुल्ली ने उन बॉडीगार्ड से कहा, अगर हम लोगों को यहां से जाना हो तो हम कैसे जाएंगे। बॉडीगार्ड ने गुल्ली से कहा, तुम्हारे लिए बोट आइलैंड के पीछे खड़ी है, तुम लोग उस बोट को चलाकर वापस आ सकते हो। ठीक है अब हम लोग जा रहे हैं, तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो बॉडीगार्ड वहां से चले जाते हैं। और इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन उस रूम के अंदर आते हैं। उस रूम के अंदर सिर्फ दो ही बेड हैं। गुल्ली अलग से एक बेड पे सो जाता है और बुल्ली और शॉन अलग से एक बेड पे सो जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और शॉन इस सफर में बिल्कुल थक चुके थे, इसलिए उन्हें नींद बहुत जल्दी आ गई। आधी रात बीत चुकी है और शॉन और बुल्ली बिल्कुल आराम से सो रहे थे, लेकिन ये गुल्ली के बगल में कौन सो रहा है। गुल्ली तो बिल्कुल अकेले सोया था। गुल्ली को इस बात की भनक भी नहीं कि उसके बगल में कौन सो रहा है। ये तो कोई चुड़ैल लगती है, लगता है गुल्ली के बगल में कोई चुड़ैल सो रही है। गुल्ली को इस बात का अंदाजा भी नहीं कि उसके बगल में चुड़ैल सो रही है। अगर गुल्ली को इस बारे में पता चलेगा तो गुल्ली बिल्कुल डर जाएगा। दोस्तों अब क्या होगा गुल्ली का, अगर आपको भी जानना है तो आपको देखना होगा पार्ट 2। पार्ट 2 देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें।